कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट इसमें ये नहीं है कि कैपिटल एम कैसे जनरेट होगा या म्यूचुअल इंडक्शन कैसे जनरेट होगी, इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें ना प्रॉब्लम है कि दो कॉइल्स हैं, करंट एक में चेंज करते हैं, फ्लक्स पड़ोस का चेंज होता है। अब ये देखो कैसे, दो कॉइल्स हैं, एक जिसमें करंट पास हम करेंगे उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें ईएमएफ पड़ोस में पैदा होगी या फ्लक्स पड़ोस का चेंज होगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा लेकिन करंट प्राइमरी में होगा। ये देखो कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल कौन सी कॉइल है जिसमें करंट हम नहीं भेजते, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है, पहली वाली कॉइल के करंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है। तो यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसका जो फ्लक्स है प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करता है, और एक कांस्टेंट यहां पर लगता है कैपिटल एम जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस कैपिटल एम के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, एन वन एन टू नंबर ऑफ टर्न्स एरिया लेंथ बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इसके अंदर ये जो फ्लक्स है ये उसका फ्लक्स है जिसमें मैंने करंट सेंड नहीं किया और आई करंट मैंने एक लूप में सेंड किया, तो फिर पड़ोस की कॉइल जिसमें मैंने करंट सेंड नहीं किया उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगी ई, जिसकी वैल्यू है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एम आई, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी। ऐसे सेल्फ इंडक्शन का भी फॉर्मूला था, इस बार म्यूचुअल इंडक्शन के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस एम डी आई बाई डी टी, और कैपिटल एम के यूनिट्स भी हेनरी हैं जैसे एल के यूनिट्स हेनरी थे। तो मैं इस प्रोसेस को ऐसे समझाता हूं कि अगर सपोज करो आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक रेड कॉइल है और उसी तरीके से एक आपके पास ब्लू कॉइल है, मैंने बहुत अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर दी, करंट मिक्स ही होंगे इनके, ये जबरदस्त है। मतलब अगर आपने रेड कॉइल में मान लो करंट को सेंड किया आए तो ये बन जाएगी प्राइमरी, तो प्राइमरी इसके एक्सिस पे क्या जनरेट करेगा, बी, बी जनरेट करेगा। तो जो ब्लू कॉइल है, ब्लू कॉइल है ये सेकेंडरी, ब्लू कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा और वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा प्राइमरी में कितना करंट गया था। ये इंपॉर्टेंट कलर कोडिंग आपको बता रही है, रेड में करंट भेजा, ब्लू के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, और यहां पर फाई, यहां पे जो फाई की वैल्यू है इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू पहली क्वाइल का करंट होगा जिसकी जिसका कलर क्या है, रेड है ऐसे, तो फाई इज इक्वल टू एम आई। तो कलर बता रहा है फाई, यानी कि वो क्वाइल जिसमें करंट ने सेंड किया उसका फ्लक्स है। तो इसलिए ब्लू कलर में अगर मैं बात करता हूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ब्लू कलर के क्वाइल में जनरेट होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई की जगह मैं क्या पुट करूंगा, कैपिटल एम इन टू करंट की वैल्यू यहां पर क्या है, आई, ये लो। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर वैल्यू आएगी माइनस एम इन टू डी बाई डी टी ऑफ कलर कौन सा, रेड। ये इंपॉर्टेंट है कलर कोडिंग, देख रहे हो कैसे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कौन सी कॉइल का है, रेड कॉइल का है, और ई एम एफ किस में जनरेट हो रही है, ब्लू कॉइल में, ब्लू का मतलब है सेकेंडरी, रेड का मतलब है प्राइमरी, ये कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ रहा है यहां तक, अब किताब वाले प्रिंटिंग रेड और ब्लू में तो करते नहीं, इसलिए वो नाम चेंज कर देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो जिसमें करंट गया उसको बोल देते हैं प्राइमरी, तो करंट किसमें गया, प्राइमरी, और ईएमएफ किसमें पैदा हुई, सेकेंडरी, वो प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं, और मैं बिना बोले प्राइमरी सेकेंडरी कलर से बता पा रहा हूं कि किसमें ईएमएफ जनरेट हुई। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक।